ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। स्टेट टॉक लगातार जारी है। 2019 के चुनाव को लेकर क्या कुछ तस्वीर आप देखते हैं, क्या समझते हैं और क्या कुछ मुद्दे आपको लगते हैं, कौन कौन से चेहरे आपको लगते हैं जो डोमिनेट करेंगे, जो असरदार रहेंगे 2019 में? कॉल कीजिए, टीवी स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिखाई दे रहे हैं डायल करके आप भी बताइए कि आपका क्या मानना है। जब हम 2019 का जिक्र कर रहे हैं तो साथ ही ये भी आपको बता रहे हैं कि किस तरह से 2014 के बाद राजनीतिक तस्वीर बदली है, वो चाहे संसद के भीतर हो, वो चाहे उपचुनाव के दौरान हो या फिर विधानसभा चुनाव जो अलग अलग राज्यों में हुए हैं, किस तरह से कांग्रेस सिमटती गई और बीजेपी छाती गई पूरे देश में। संदेश हर चुनाव के बाद जाता है 2019 की तरफ और अब सबकी नजर है चार राज्यों के चुनाव पर। जी हां, 64 लोकसभा सीटों वाले चार राज्यों में अब चुनाव होने हैं और वहां पर नजर रहेगी कि कौन सत्ता पर काबिज होता है, कौन ज्यादा सीटें जीत कर आता है, वो चाहे राजस्थान हो या फिर मध्य प्रदेश हो। नजर इस बात पर है कि वहां पर जो भी जीतेगा वो सीधा का सीधा एक संदेश जाएगा 2019 के लिए। मिजोरम में भी चुनाव होने हैं, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होने हैं। मिजोरम की अगर बात की जाए तो एक लोकसभा सीट है, लेकिन राजस्थान बड़ा फैक्टर है, 25 लोकसभा सीटें हैं। मौजूदा दौर में अगर देखा जाए तो बीजेपी की सरकार है, वसुंधरा राजे वहां पर मुख्यमंत्री हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी की सरकार है, 11 लोकसभा सीटें हैं, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है 2019 के लिए। और मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का दिल, 27 लोकसभा सीटें हैं, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है 2019 के लिए। मौजूदा वक्त में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी की सरकार है। और इन चार राज्यों के चुनाव के बारे में राजनीतिक पंडित ये मानते हैं कि यहाँ से जो बाजी मार जाएगा वो 2019 को भी जीत जाएगा, उसके लिए 2019 में जीत के दरवाजे खुल जाएंगे। इसलिए तमाम दलों की रणनीति 2019 से पहले इन चार राज्यों के चुनाव के ऊपर बहुत हद तक निर्भर है। और एक फैक्टर जो लगातार हमने शुरुआत में जिक्र किया था कि जहां पर बीजेपी सत्ता में काबिज है वहां पर जब भी चुनाव हुए हैं तो देखा गया है कि बीजेपी को नुकसान हुआ है। क्या बीजेपी इस फैक्टर का कोई तोड़ निकाल पाई है या फिर विपक्ष इस फैक्टर को भुनाने के लिए कोई रणनीति बना रहा है, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आप लोगों को क्या लगता है कि 2019 से पहले इन चार राज्यों में जो कुछ होगा वो 2019 पर क्या असर दिखाएगा? क्या यहाँ से इसे सत्ता का सेमीफाइनल माना जाए, एक झलक माना जाए कि 2019 में क्या होने वाला है, क्योंकि इन चार राज्यों में इसी साल के अंत में चुनाव होने हैं और सीधी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के भीतर है। बीजेपी सत्ताधारी है इन राज्यों में और यहां पर अगर किसी तरीके से तख्ता पलट होता है तो यह संजीवनी होगी कांग्रेस के लिए, विपक्षी दलों के लिए, क्योंकि एक तरीके से जब 2014 में आंधी चली थी, लहर चली थी नरेंद्र मोदी की और भारतीय जनता पार्टी ने 282 सीटों पर जीत दर्ज की थी, अपने बूते पर बहुमत हासिल कर लिया था, तो विपक्ष एक तरीके से ख़त्म सा हो गया था। ये हालात हो गए थे कि जो नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए भी किसी बड़े दल के पास ज़रूरी आंकड़ा नहीं था, कांग्रेस के पास भी ज़रूरी आंकड़ा नहीं था, महज 44 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई थी। लेकिन उपचुनाव में एक के बाद एक हार, बीजेपी की सीटें लगातार कम होती गई, कई महत्वपूर्ण चुनाव में और ख़ासतौर पर उत्तर प्रदेश के चुनाव में, महाराष्ट्र के चुनाव में, मध्य प्रदेश के चुनाव में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में कैराना सीट, महाराष्ट्र के भंडारा गोंडिया सीट जब बीजेपी खो देती है तो फिर एक संजीवनी मिलती है विपक्षी दलों को, एक उम्मीद जगती है कि नहीं, अभी विपक्ष ख़त्म नहीं हुआ है और बीजेपी ने पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर दिया है। पार्टी ने पालघर संसदीय सीट को बरकरार रखा था जब उपचुनाव हुए थे, लेकिन उस वक्त सहयोगी नागालैंड डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी NDPP नागालैंड, जो नागालैंड की थी, उस सीट को जीतने में सफल रही थी, बीजेपी नहीं।
अगर उपचुनाव के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो 4 साल में 19 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, इनमें से बीजेपी सिर्फ 5 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई है। क्या ये जो उपचुनाव में हो रहा है इसकी कोई झलक या कोई असर 2019 में देखने को मिलेगा? आप लोग क्या राय रखते हैं, कॉल कीजिए और हमें बताइए, क्योंकि इस चर्चा में आप लोगों की भागीदारी ज़रूरी है, आप लोगों का मंच है। एक तरीके की ये राय शुमारी है 2019 को लेकर कि लोग क्या सोचते हैं। आखिर जो राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं होती हैं, लोग भी उसी तरह से सोचते हैं, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। और ऐसे में आप लोग जब जुड़ेंगे तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इस विषय के ऊपर वक्त वक्त पर एक अंतराल के बाद चर्चा करते रहें, क्योंकि ये चुनावी दौर शुरू हो गया है। जैसा कि हमने आपको बताया कि पहले 4 राज्यों में चुनाव होने हैं, राजनीति अपने पूरे चरम पर होगी और फिर उसके बाद आम चुनाव होने हैं, लोकसभा के चुनाव होने हैं, तो फिर अति पर होगी राजनीति। इस दौरान आम लोगों की ही भूमिका अहम रहेगी, वो चाहे चर्चाएँ हों या फिर वोटिंग हो। आज स्टेट टॉक में इतना ही, इजाज़त दीजिए, लेकिन तमाम दर्शकों को हम बता दें कि जस्ट 24x7 अब जस्ट हिंदी हो गया है और आप 15 अगस्त के बाद मेगा पैक पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, तो आपका और हमारा साथ मेगा पैक पर भी बना रहेगा। आप देखते रहिए जस्ट हिंदी, अपना इंडिया।